लड़के के बारे में आया है जी, उसका नाम है सचिन। मछली बेचने आया था जी बाबा खेरे तक। बाबा खेरे में जी मछली उछली बेचा है, वहाँ से थोड़ा सा कुछ देर इधर उधर टहला है, उसके बाद फिर हमारा बच्चा वहाँ से दिखाई नहीं पड़ा है। 11 बजे के टाइम मैं उसको ढूंढने गया हूँ तो वहाँ पर उस चौराहे पर नहीं दिखाई पड़ा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठा था, उसके बाद ये यहाँ से चला गया। कितने पैसे होंगे उसकी जेब में? पैसे जी उसके पास 250-300 रुपये हैं। साइकिल से निकला? हाँ जी, साइकिल साथ में है, झोला भी साथ में। FIR दर्ज हो गई? हाँ जी। एक सचिन सनाफ लाला हैबतपुर पोस्ट सहजनी थाना गंगा घाट का लड़का, ये इनके परिजन अभी आए थे हमारे पास कि ये लड़का जो कहीं चला गया है। सुबह मछली पकड़ने घर से गया था, 10 बजे तक लोकेशन आसपास ये मछलियों को बिक्री किया है, उसके बाद ये पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग GRP को भी कॉल किए हैं, मदद मिल सकती कि हम 4 तारीख वाली उनसे अनुरोध करेंगे GRP से कि देखें फोटोग्राफ्स, कि वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं स्टेशन पे। अगर लड़का कहीं ट्रेन से बैठ के गया होगा तो GRP के कैमरे में ज़रूर आया होगा कहीं ना कहीं, तो हम 4 तारीख वाले उनसे कहेंगे फुटेज देख लिया जाए, क्योंकि मैं GRP के फोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल अभी सेंड कर रहा हूँ। साथ ही मैं इसको अपने चाइल्डलाइन वाला जो ग्रुप है ऑल इंडिया, मैं उस पर इसको सेंड कराया है। टोटल ऑल इंडिया हमने ग्रुप है उस पर हमने डलवाया था। हमारे पास जो अपने बाल संरक्षण के ग्रुप है उस पर भी मैंने पोस्ट किया है, जिससे कि अगर बच्चा कहीं भी मिलता है देश में तो हम इस बच्चे को ट्रेस कर सकें। साथ ही इसको ट्रैक द मिसिल ट्रैक पोर्टल पे भी अपलोड करा दे रहा हूँ तुरंत अभी, जिससे कि अगर कहीं बच्चा रेस्क्यू होता है तो, चूँकि बच्चे की उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 13 से 14 साल है, तो ज़्यादा संभावना ये लग रही है कि हमारे जनपद उन्नाव के ढेर सारे बच्चे दिल्ली चले जाते हैं। अभी हमने 3 से 4 बच्चे दिल्ली से रेस्क्यू करके जनपद उन्नाव को आए हैं, जो परिजनों को सुपुर्द किए गए हैं, तो हम इस संबंध में गहनता से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसकी FIR भी है, पुलिस भी देख रही होगी। हम पुलिस से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इसको देखें, क्योंकि सेंसिटिव मामले हैं कि बच्चे गायब होने पर अगर तुरंत हम लोग सक्रिय हो जाते हैं तो अक्सर बच्चे मिलते हैं, और मैंने भी स्वयं भी साल भर में 50 से 60 बच्चे इस तरह से जो चले गए थे वो पुनः वापस आ गए हैं, जो परिजनों को सुपुर्द कर लिए गए। इसके लिए